तो सो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ASS एजुकेशन के एक और बेहतर वीडियो में। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को हम बता रहे थे कि आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्लास टेंथ के प्रकाश के प्रवर्तन, जो कि हर बार आपके चार मॉड जो पेपर होते हैं किसी न किसी एक पेपर में यह क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो यह जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए बात करें हम पहला क्वेश्चन, यहाँ एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन तो हमने पहले ऑलरेडी कल वाले वीडियो में बता दिया था, तो वहां प्ले लिस्ट में आपको जरूर मिल जाएगा। तो उस क्वेश्चन को भी आप नोट कर लीजिएगा, रिविजन कर लीजिएगा। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 3 को हम बताते हैं आपको आसान तरीके से, एकदम बेसिक लेवल से समझाएंगे, पूरी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, तो यहाँ से 15 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 30 सेमी दूरी पर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति एवं दूरी ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की दूरी एवं स्थिति ज्ञात करनी है। चलिए यहां से हम बात करें तो फोकस दूरी को हम एफ से लिखते हैं। ठीक, इस फोकस दूरी कितना दिया गया है, 15 सेमी। अब देखिए कि यहाँ उत्तल लेंस है, क्या है, उत्तल लेंस है, तो एफ और वी का मान जो होगा वह प्लस में होगा, और यहाँ लेंस से वस्तु की दूरी, लेंस से वस्तु की दूरी उसको हम यू से लिखते हैं। अब यू का मान क्या हो जाएगा, यहाँ उत्तल लेंस है तो इसलिए यहाँ 30 सेमी यू का मान माइनस में होगा। अब ज्ञात क्या करना है हमें, वी का मान ज्ञात करना है। ठीक, जबकि हम जानते हैं सूत्र क्या होता है, 1/f = 1/v - 1/u। ठीक, अब देखिए कि इसको पक्षांतर कर दीजिए, 1/f अभी माइनस में है इधर आ जाएगा तो प्लस में, 1/u = 1/v। ठीक, अब 1/f का मान कितना है, 15 सेमी। ठीक, प्लस 1/u का मान क्या है, माइनस 30 बराबर 1/b। ठीक, अब इसी को हल कर लीजिए, तो यहाँ इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो माइनस 30 कन्नम 30 हो जाएगा, प्लस यहाँ से 15 कन्नम 15/15 = 45, माइनस 450 बराबर 1/v के। ठीक, अब देखिए कि इसके आगे कि 1/v बराबर, हम इसको बराबर को पहले भी लिख सकते हैं बाद भी लिख सकते हैं, अब इसको घटा दीजिए, यहाँ माइनस बचेगा 15/-450, माइनस से माइनस कर जाएगा, 15 * 15 = 15 / 45, 1/v = 1/30। ठीक, अब यहाँ से v का मान हम निकालेंगे, 30 * 30 सेमी हो जाएगा, क्या हो गया, 30 सेमी हो गया। अब पूछ रहा था कि अब इसकी प्रतिबिंब की स्थिति एवं दूरी ज्ञात, स्थिति अब हमें ज्ञात करने के लिए आवर्धन क्षमता का सूत्र लगाना होगा, आवर्धन क्षमता का जो सूत्र होता है, m = v/u। अब देखिए कि लेंस क्या है, माइनस उत्तल लेंस है, इसीलिए यह u का जो मान होगा क्या होगा, माइनस में होगा, तो यहां से 30, v का मान कितना है 30 सेमी और u का मान कितना है माइनस 30 सेमी, तो यहां से इसको काट देंगे तो यहां से 30 से 30 कट जाएगा, तो यहां बचा कितना, 1 सेमी, माइनस में 1 सेमी बचा है, तो इसीलिए यहां उत्तल लेंस की जो दूरी होगी कितनी होगी, माइनस 1, आवर्धन क्षमता 1 आ गया, तो यह वस्तु प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आखिर अगर पूछा होता तो स्थिति पूछ रहा है तो वह वस्तु क्या होगा कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा और वास्तविक बनेगा। ठीक, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उसी क्वेश्चन को हम पढ़ दे रहे हैं, रिपीट कर दे रहे हैं आपको, और उस क्वेश्चन को समझ में आ जाए। चलिए देखिए कि 1/5 सेमी लंबी वस्तु 40 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के सामने रखी हुई है। ठीक, मुख्य अक्ष पर 20 सेमी दूरी पर रखी हुई है। ठीक, और लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति एवं आकार ज्ञात करना है। ठीक, और किरण आरेख भी खींचना है। यह 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है, आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो वीडियो देखिएगा और क्वेश्चन को आसान तरीके से हम बताएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, चलिए अब देखते हैं इस क्वेश्चन में दिया क्या गया था। ठीक,
तो आपने क्वेश्चन को पूरी तरीके से रिपीट किया है और पढ़ा भी है, तो आप समझ गए होंगे क्वेश्चन को। और यहाँ देखिए उसमें दिया क्या क्या गया है। ठीक, वस्तु की लंबाई h बराबर 5 सेमी। ठीक, फोकस दूरी f का मान जो दिया गया है 40 सेमी दिया गया है। लेंस से वस्तु की दूरी u का मान माइनस 20 सेमी दिया गया है। माइनस कैसे समझ में आया कि क्योंकि हमने आपको हर क्वेश्चन में बता दिया है कि जब लेंस उत्तल होगा तब आपको u का मान किस में होगा, माइनस में होगा। ठीक, अब चलिए हम इसके सूत्र के बारे में बात करें। जैसे कि हम यहां से जानते हैं कि ठीक, अब इसका सूत्र क्या होता है, 1/f = 1/v - 1/u। ठीक, यही सूत्र होता है। अब चलिए 1/f का मान हमें रखना है 40 बराबर 1/v - 1/u का मान -20 दिया ही गया था। ठीक, अब इसको हम ऐसे हल कर देंगे, 40 बराबर 1/v माइनस, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहां से, प्लस 20। ठीक, अब देखिए कि इसको हम 1/40 माइनस, इसको इधर उठा लेंगे माइनस में, तो 20 बराबर 1/v। ठीक, बात आपको समझ में आ रही होगी। अब चलिए इसको हम त्रिक गुणा कर देते हैं, 20 माइनस 40 से करना 40, और उसके बाद 4 × 2 = 800, यह हो जाएगा बराबर किसके, 1/v के। अब चलिए हम इसको यहां से घटा देंगे, तो यहां घटाएंगे तो यहां बचेगा 20 माइनस 20, क्योंकि यहां वाला बड़ा है, तो माइनस 20/800, 1/v बराबर 1/v, 0 से 0 काट देंगे, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, तो माइनस 1/40 बराबर 1/v। अब त्रिक गुणा कर दीजिए, तो यहां से हो जाएगा क्या, वी बराबर माइनस 40 सेमी। v बराबर हमारा कितना आ गया, माइनस 40 सेमी। तो जबकि रेखीय आवर्धन यहां से हम ज्ञात करेंगे, क्योंकि उसमें पूछ क्या रहा था कि उसका था ना, तो रेखीय आवर्धन का जो सूत्र होता है, रेखीय आवर्धन बराबर m बराबर v/u। ठीक, यहां से माइनस v/u, तो अब उसके बाद h i/h 0। ठीक, अब यहां से इस सूत्र का, रेखीय आवर्धन का सूत्र भी हम यहां से लगाएंगे, तो m बराबर यहां से हमारा क्या हो जाएगा, v का मान कितना है, v का मान माइनस अभी आया 40। ठीक, और u का भी मान माइनस 20 रखेंगे, बराबर h i का मान कितना था, h i का मान नहीं दिया गया है, तो h डैश या i का मान हम निकालेंगे यहां से, और जीरो का, h जीरो का मान कितना दिया गया है, 5। यहां से अब इसको काट सकते हैं, 2 × 2 = 4, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो m बराबर, अब यहां देखिए इसका त्रिक गुणा कर देंगे, तो यहां से 5 × 10 = 10 सेमी हो जाएगा। ठीक, रेखीय आवर्धन हमारा कितना आ गया, 20 सेमी आ गया। ठीक, अब इसका किरण आरेख भी खींचना है, तो किरण आरेख भी हम आपको समझा देते हैं और आपको समझ में आ जाएगा आसान। चलिए अब उसमें देख सकते हैं कि यहां से देखिए कि इसका जो किरण आरेख होगा कुछ इस प्रकार से बनेगा। यहां से फोकस दूरी और लेंस की दूरी कितनी होगी, 20 सेमी, और यहाँ पर वस्तु रखी है ए डैश और बी डैश, एक वस्तु है। ठीक, वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी, 40 सेमी होगी। ठीक, अब यहाँ से ए और बी, ठीक, इसी प्रकार से आपको क्या कर सकते हैं, किरण आरेख खींच सकते हैं। ठीक, प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई की क्या होगी, 2 गुनी होगी, अतः प्रतिबिंब का आवर्धित होगा। ठीक, तो आपको पूरी तरीके से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और सॉल्व भी उसका समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।